जिला तरक्याती कमिश्नर ने महकमा एग्रीकल्चर के जेर एहतमाम किसान संपर्क अभियान के तहत मुनक्कदा इजलास के दौरान किया खताब। मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से दी गई किसानों को जानकारी। Ensuring that the quality of sponsorship, sponsored cases is genuine and the backers by जिसे मैं कहूँगा हाथ खोलने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आप खुले हाथ से क्रेडिट करा पाएंगे। आई नो दैट आप सबके ऊपर टारगेट बड़े सीरियस टारगेट्स होते हैं क्रेडिट रिकवरी के, और अगर आप खुले हाथ से केसीसी वगैरह बांटने शुरू हो गए और रिकवरी इतनी अच्छी नहीं हुई तो आपके सीनियर्स आपको खींचेंगे। These concerns of a specific nature. The conceptual, phenomena which has been successful in many parts of the world. KCC is in some ways a sort of microfinance. All of you would have heard of the Grameen Bank. जी, आज हमारा जो HEDP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत जो किसान संपर्क अभियान चल रहा था उसके कल्मिनेशन में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया इन कोलैबोरेशन विद ऑल द फोर एग्री अलाइड डिपार्टमेंट्स एज वेल एज नाबार्ड एंड ऑल द बैंकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इन फैक्ट इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट हमने इसके आउटरीच को और बढ़ाने के लिए नॉट जस्ट LDM एंड क्लस्टर हेड्स बट इवन ब्रांच मैनेजर्स को भी इंक्लूड किया ताकि जो टिपिकल इश्यूज़ होते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिसबर्समेंट में गारंटी मांगी जाती है या कुछ और फॉर्मेलिटीज़ की वजह से लोन सैंक्शन नहीं होता उनको हम वन ऑन वन डिस्कस करके रिजॉल्व कर सके। काफ़ी इंटेंस डिस्कशन हुई और काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे जो वो प्रसिस्ट कर रहे थे काफ़ी देर से, उन्हें हमें रिमूव किया। हमारी कोशिश होगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वेरियस डिपार्टमेंट्स और बैंक्स के दरमियान बेटर कोऑर्डिनेशन। इमाम खतीब मरकजी जामा मस्जिद महेंडर मौलाना सुल्तान नक्शबंदी की क्यादत में वफ्त SDM महेंडर जहांगीर खान से उनके दफ्तर में मुलाकात हुआ, शराब खाना बंद करने का किया मुतालबा। जो इंसानियत के लिए नुकसान जो है वो क्यों खोली जा रही है, इसको बंद किया जाए, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमने अजमीन साहब से ये गुजारिश की है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदार हजरात हैं, DC साहब हैं या SSP साहब हैं, उनसे एक डेट ली जाए और उस डेट पर मेंडल के जितने भी हसास किस्म के लोग हैं, हिंदू मुसलमान जितने हैं, मजहबी उलमा हैं या इसी तरह जो सियासतदान लोग हैं या जिम्मेदार लोग हैं जो तंजीमों के, उनसे बैठ कर एक वैलिड टाइम जो है वो इंफॉर्म कर दिए, पूछा दिए, इस तरह के लोगों के एहतियात हैं और आज के एहतियात भी हो रहा है इनका ऊपर वो पूछा दिया जाएगा। अदरवाइज देखा जाए कि ये जो कहते हैं कि बगैर NOC के शॉप खुल रही है, ऐसा नहीं है। इन्हें जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है उसमें आने की चीज़ें भूल रही हैं कि कोई भी वाइन शॉप खुलेगी तो उसमें 3 महीने के अंदर अंदर उसने NOC जो है वो प्रोड्यूस करनी है। एनी हाउ ये 3 महीने हुए नहीं हैं, 3 महीने अगर NOC नहीं मिलेगी तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ये जल्दी ही क्लोज होनी चाहिए। बट इसमें प्रोसीजर मैटर है तो देखेंगे सामाजिक कारकुन सरदार जगन सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवामी मसाइल हल करने का किया मुतालबा। पंजाबी का एक शायर लिखता है, बंदे रब दे रंग दे विच रंगे, किसे बंदे दे के तू हजीन होंदे, लत्ता मार दे कुड़ियां दौलतां नूं, लालच विच दिनो वदीन होंदे, आना बचान ले जाना कुर्बान कर दे, ताके तरन दे बेड़े करवीन होंदे। तो मैं सब तो पहले उसे जरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया का मैं बहुत आभारी हाँ, धन्यवाद करना कि तुम वक्तन बेवक्तन असले पहुँचते लोगों के गरीब मत लोग जो पहाड़ी लोग हैं, ये बार्डर के लोग हैं, इन्हों की ग्रीवेंसी ये महसूस कर रहे हो कि सारे दुख तकलीफ महसूस करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक और सारी स्टेट गवर्नमेंट तक जी असली आवाज़ बुलंद कर रही हो, मैं मेरे को लख नहीं है धन्यवाद कर सकता। और अच्छा सब तो बड़ा मसला है 1947 का रफूजी है, अगर मेरे प्रधानमंत्री जी ने यह महसूस किया है कि ये रफूजी जड़े सन इन्हें 1947 के
इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की खातर बड़ी कुर्बानी दी तो उन्होंने 2,000 करोड़ रुपया रखे है और मैं कहना जल्दी से जल्द तो जल्द जो इन्होंने लोगों को मिलना चाहिए है और पहाड़ जी पहाड़ देश है जरा पुंछ है रजौरी है उधमपुर है करना उड़ी बारामूला जिन्हें माड़े जो पहाड़ी एरिए लोग कम से कम 2 बटालियन खड़ी होनी चाहिए और उन्होंने कंधे के उपर यह लिखा जाना चाहिए कि रफूजी है कि जो बहादुर लोग हैं बहुत भर्ती करनी चाहिए है और इतने पी एस एफ की भर्ती होनी चाहिए सी एम पी की भर्ती होनी चाहिए है सी आई एस एफ की भर्ती होनी चाहिए एयर फोर्स की भर्ती होनी चाहिए है और इन्होंने लोगों सब तो बड़ा कर। हाँ बताएंगे जो अभी एस पी ओज को लेके जैसे पी एच ई पावर डिपार्टमेंट इसके बारे में आपका डेपुटेशन भी जाएगा मिनिस्टर सरवान के सामने तो क्या कहेंगे आप? 25 साल हो गए हमारी ये एस पी ओ जो कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के चाहिए वो मरकजी वजीर अर्जुन राम के दौरे पहुंच के दौरान होने वाली रैली के इंतजाम को दी जा रही है हतमी शक्ल। सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि 10,000 से ज्यादा अफराद के रैली में शमूलियत के हैं इम्कान। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहां पर आएंगे जिसमें हमने इतना बड़ा पंडाल बनाकर 10,000 से ज्यादा हमने चेयर्स यहां पर लगाई है और मुझे पूर्ण विश्वास है पूरे जिले से चाहे वो सुरनकोट हो मेंढर हो मंडी हो लोरन हो सब्जियाँ हो गिलास हो मंगनाड़ हो हर जगह से बड़ी संख्या के अंदर लोग आने वाले हैं क्योंकि लोगों को जो प्रधानमंत्री जी ने 9 साल के अंदर काम किए हैं उन काम को देखते हुए यहाँ पर लोग आएंगे। मैं आपके माध्यम से यही लोगों से अपील करता हूँ कि कल बड़ी संख्या में आकर हम पुंछ की डेवलपमेंट और तरक्की के भागीदार बने और इस रैली को कामयाब करें। अच्छी बात है कि G20 के अंदर अगर पुंछ जिले के 2 जगहों का नाम आया तो ये जो मिनिस्टर हैं ये वाकई में काम करने वाले मंत्री हैं। रजौरी के अंदर इन्होंने शाहदरा शरीफ के अंदर गंडोला दिया 5 करोड़ रुपये बंदा बैरागी के लिए दिया और स्थान के लिए दिया और 3700 करोड़ रुपये के जो प्रोजेक्ट है वो बन कर गए हैं। इन्होंने अनंतनाग के अंदर भी काम किया हमने भी एक अच्छा मनोरंजन पुंछ के लिए दिया है और खासकर जो पुंछ शहर है इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए ये हमारे राजाओं महाराजों की धरती है उसमें यहाँ की म्यूनसिपलिटी है इसलिए हम चाहते हैं कि जो काम उन्होंने ये रैली रखी इसीलिए गई है कि ताकि पुंछ को में भी अब जो हमारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं उसको हम लाकर यहाँ पर डेवलपमेंट करें। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा प्रधानमंत्री आवास योजना का जमीनी सतह पर नफाज नजर नहीं आता और साल में ये 2 महीने या 4 महीने ये सही ढंग से चलती है और 3 महीने उसका रिपेयरिंग का काम चलता है और लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो खर्चा उसके ऊपर जो है ये लोग खा जाते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए उस पर टनल बनाना क्योंकि लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ है वहाँ के हॉस्पिटल्स के साथ वहाँ के डॉक्टर्स के साथ वो लोग अगर अपना ट्रीटमेंट लेके आज अगर आते हैं उनको अगर 10 दिन महीने के बाद जाना पड़ता है तो उनको 2 दिन का सफर तय करके यहाँ से श्रीनगर पहुँचना पकड़ाई जाए और लोगों के काम हो गरीब आवाम के काम हो। यहाँ पे एक और प्रोपेगंडा एक और जो गवर्नमेंट यूटी सरकार ने किया जो 12th पास होगा यहाँ से इंटरव्यू देने के लिए किसी के सेंटर जम्मू में बने किसी के सेंटर पंजाब में बने ये कहाँ का इंसाफ है। गरीब लोग यहाँ के पिछड़ा हुआ इलाका है बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग हैं हम मिलिट्री से घिरे हुए लोग हैं हम हमारे पर इतना जुल्म यूटी सरकार मत करो ना भारतीय जनता पार्टी नहीं करनी चाहिए। यहाँ के जो लीडर हैं इनकी डेवलपमेंट जरूर हुई है इनकी इंक्वायरी की जाए चाहे वो XMLC हो चाहे यहाँ कोई भी हो इनकी जो दूर है डेवलपमेंट में इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। गरीब आवाम का कोई काम नहीं हुआ गरीब आवाम वैसे की वैसी है गरीब आवाम की एक ही आवाज है कि इलेक्शन होने चाहिए और असेंबली जो है बहाल होनी चाहिए। शुक्रिया। मेरे से पहले जितनी मेरे भाइयों ने जो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता उन्होंने बताया आपको बड़ा ब्रीफिंग पहुँचा है मैं आपकी मीडिया के माध्यम से हमारे डिप्टी कमिश्नर पहुँच आए इनसे एक अपील ज़रूर करूंगा कि आप ग्राउंड में जब तक नहीं निकलेंगे आपने अगर आप ऑफिस एसी रूम में बैठकर अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी चाहिए। हमारी पुंछ की रोड का आप देखें हमारे म्यूनसिपल जितने भी एरिया हैं अगर म्यूनसिपल वालों को अगर उनके फ़ंड प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे अगर आप इस चीज़ को फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो तकरीबन हमारी म्यूनसिपलिटी का भी जो डेवलपमेंट नहीं हुआ उस खासतौर पर जो मेरे भाइयों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की बात की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो गायनेक वाला एक स्पेशलिस्ट ज़्यादा यहाँ मिलते हैं और तकरीबन जो हमारे केसेस हैं जितने भी अगर किसी को हेड इंजरी होती है तो मैं समझता हूँ उसको रेफरी किया जाता है
तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर यहाँ आज टिल डेट तक हमारे जो स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत बड़ी कमी रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ ही आप ध्यान देंगे क्योंकि गरीब लोगों की एक ही पहुँच होती है कि हमने सरकारी चीज़ों को सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना, और सरकारी सुविधाओं का लाभ जब हमें गरीब लोगों को नहीं मिलेगा उनमें उनके रिश्तेदार थे। इसी को लेकर आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से थी। और इसके अलावा भी आप देखें, जब से ये दफ़ा टूटा यूटी बनी, आए दिन जो है नौजवानों को हर अलग अलग तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देखें आप, गरीबी की हालत देखें, जो भूख से लोग यहाँ पे मरे जा रहे हैं, इतनी बुरी हाल हो चुकी है हमारे स्टेट का। हम ये मुद्दा जो है उठा रहे हैं आज, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाए जाएं यहाँ पर। इलेक्शंस के बिना यहाँ पे कोई हल नहीं है। आपसे यहाँ पे ये स्टेट और हमारा ये पूरा इंडिया जो है आपसे नहीं चल पाएगा। आप इलेक्शन करवाएं ताकि हमारे जो है नौजवान बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं उन लोगों को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। आप देखिए, इससे पहले भी जो पेंशन की स्कीम थी उनको 10-10 दिन जो हैंडीकैप्स लोग थे उनको कोर्ट में लटका के रखा 1,000 की पेंशन के लिए कि आप एफिडेविट्स बना कर लाएँ। उन्हें दिहाड़ियाँ तोड़ी, वहाँ पर कोर्ट्स में आके लटके रहे। फिर पीले पंजे वाली स्कीम इन्होंने चलाई, वहाँ पर भी लोगों को परेशान। अब जो है एग्जाम्स की हालत, अमरनाथ यात्रा 2023, वजीर दाखिला ने नई दिल्ली में आला सतही इजलास मुनक्कद किया। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होने वाली अमरनाथ यात्रा के इंतजाम के हवाले से ली जानकारी दी अहम हिदायत। कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा दही तरक्यात का कुलगाम दौरा, तरक्याती कामों का लिया जायजा। पहली बात जो हमारा मकसद है आज यहाँ विजिट का, वो है, आप लोगों को सबको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख के करीब घर और हमें JNK को मिले। उन कैंप्स में जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है और आगे सैंक्शन के लिए अपने सारे कागज़ देने हैं। तो उस कैंप्स में हमारे सारे ऑफिसर्स अलग अलग ज़िलों में विजिट कर रहे हैं। आज हमारी यहाँ पे विजिट उसका, उन कैंप्स का एक हिस्सा है। हम लोग भी कैंप्स में विजिट करेंगे। इसके साथ ही साथ बाकी जितने आप लोगों ने जैसे बताया कि बहुत बेहतरीन काम यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट महकमे ने किए हैं, उसमें कुछ कामों का हमने इंस्पेक्शन किया, अमृत सरोवर का इंस्पेक्शन किया। आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 2023 तक सबको इस मुल्क में सारे स्टेट्स को 75 अमृत सरोवर हर ज़िले में बनाने थे। तो जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पे पूरे मुल्क में रही है, सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर हमने बनाए हैं। और कुलगाम में बहुत अच्छा काम हुआ है अमृत सरोवर में, तो अमृत सरोवर को इंस्पेक्शन करना था हमें। इसके अलावा जो फ्लड प्रोटेक्शन के जितने काम हुए हैं MG नरेगा में, उन सबके हमने इंस्पेक्शन किए। हमारे जितने PRIs हैं उनके साथ मीटिंग हमारी बहुत टाइम से ड्यू थी, कुलगाम की मेरी पहली विजिट है। सो उसके बाद हम उनके साथ बैठ के जो और इश्यूज़ हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो आपने MG नरेगा एम्प्लॉयज़ का इशू रेज़ किया, MG नरेगा एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाने का प्रपोज़ल ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। सारे डिप्टी कमिश्नर्स को ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि वो उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करके भेजें। आप लोगों को पता होगा कि इन लोगों का एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल सारे एम्प्लॉयज़ की तरह होना होता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हो, सबका एनुअली परफॉर्मेंस अप्रेजल होना होता है, जो हमारे MG नरेगा एम्प्लॉयज़ का कभी नहीं हुआ। सो वो उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होना है। उसकी रिपोर्ट जैसे ही हमारे पास डिप्टी कमिश्नर से आ जाएगी, उनकी सैलरी इंक्रीज करने का ऑर्डर निकल जाएगा। थैंक यू। कठुआ में शदीद गर्मी के दौरान राहत हासिल करने के लिए नौजवान ड्रीम पार्क कनाल का रुख कर रहे हैं। आज दोपहर को अभी आप यहाँ पे
अभी क्या महसूस कर रहे हैं आप? गर्मी से राहत मिल रही है आपको? मजा आ रहा है, दिल घर कहाँ है? घर कहाँ है? कठुआ में। करकरी पुल में नहाने आप आए हैं? जी जी। क्या महसूस हो रहा है? हम घर से यहाँ पे आए हैं, बहुत मजा आ रहा है, हम एंजॉय फील कर रहे हैं यहाँ पे आके, और आगे कैसे बहुत मजा ले रहे हैं यहाँ पे आके। गर्मी से राहत मिल रही है? बहुत अच्छी गर्मी से राहत मिल रही है यहाँ पे। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नरेंद्र मोदी की 9 साल हुकूमत की कारकर्दगी पर डाली रोशनी। 3 महीने पहले और 3 साल बाद तक पेपर ही सबमिट करता रहता था। अगर सपोज उसका कोई गवर्नमेंट केस चल रहा है तो डिपार्टमेंट कहता है पहले गवर्नमेंट केस खत्म हो। अगर गवर्नमेंट केस उसकी पेंशन से रिलेटेड नहीं है तो कम से कम उसमें तो उसको डिसीजन लेना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट में कोई इंक्वायरी चल रही तो इंक्वायरी को जल्दी खत्म करे। ऐसे कई सारे केस आते हैं सर, 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं पेंशनर्स को। और सर आपने जो कहा कि इतने केसेस ग्रीवेंसेस ठीक हुए हैं, तो उसमें क्या किसी अधिकारी को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि इस अधिकारी और इस डिपार्टमेंट या इस क्लर्क के कारण उस पेंशनर को इतनी कठिनाई हुई और 2-2, 3-3 साल लग गए उसको पेंशन लेने में? ये वैसे संजीव माथुर जी आपको प्रमाण सहित इसका उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूँ कि ये बात शायद कुछ साल पहले तक ऐसा ही था। इतना ही नहीं, पूरा 1 साल कागज़ इकट्ठे करने में लग जाते थे। और एक प्रोसीजर क्या था कि साल के शुरू में लिस्ट बनती थी कि इस साल कौन कौन से लोग रिटायर हो रहे हैं, जनवरी तो जनवरी महीने से वो शुरू हो जाते थे अपने NOC लेने। यानी अगर मैं कानपुर में किसी लाइब्रेरी में था तो मैं लाइब्रेरी से NOC लाऊंगा, फिर मैं कहीं चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र हो गया तो मैं किसी और विभाग में था तो उस वहाँ से NOC लाऊंगा। तो 1 साल लग जाता था NOC इकट्ठे करने में। और जो एम्प्लॉयर थे, जो उनके अफसरान थे, वो भी कहते हैं साहब ये साल रिटायर हो रहा है इसलिए इसको भी, सो वी वर लूजिंग दी सर्विसेज ऑफ दी पर्सन, वी वर लूजिंग दी टाइम, मैन पावर भी गई, हमारा सारा वक्त उसका भी गया, अपना भी गया, इनकन्वीनियंस गया। इनफैक्ट बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आई टुक रिटायरमेंट वॉलेंट्री ऑल ऑफ अ सडन, आई गॉट माई पेंशन आफ्टर 8 मंथ्स। सो वैन आई यूज टू गो अगेन एंड अगेन आई यूज टू आस्क, तो कहते साहब आपका सूची में नाम नहीं था, तो कसूर हमारा नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू रिटायर दिस ईयर, यू गॉन ऑन योर ओन, सो यू हैव टू बेयर विद इट। सो दिस इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ फैक्ट। बट वॉट हैज चेंज, संजीव विल टेल यू, अब क्या है, सारा कुछ ऑनलाइन है, पेंशनर हैज दी, अब इट मे बी लैक ऑफ अवेयरनेस जहाँ ऐसा हो रहा है। एक हमारा पूरा डिजिटलाइज पोर्टल है, पेंशनर उसको एक्सेस करके ये भी देख सकता है कि मेरा स्टेटस क्या है। सर्विस बुक भी डिजिटलाइज है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इतना रोबस्ट मैकेनिज्म है कि जिस दिन उसका लास्ट डे होता है, फेयरवेल के साथ ही उसके टेबल पर PPO आ जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक PPO कहते हैं। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक PPO ही नहीं, डिजिटल लॉकर भी उसके साथ है, उसको वो भी नहीं करना, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक। संजीव जी ज़रा प्रोसीजर बता दो, और ये भी बता दो कि आजकल क्या प्रक्रिया है। तो आजकल ऐसा था कि जो हमारे डिपार्टमेंट ने एक भविष्य सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है। एंड टू एंड डिजिटाइज्ड का मतलब ये है कि जो पेंशनर है ऑनलाइन अपना पेपर्स फाइल करते हैं, और पेपर्स भी फाइल ये करने होते हैं, बस उनको अपना नॉमिनेशन और अपना बैंक अकाउंट देना होता है। उसके बाद जितना भी प्रोसीजर है उनके मोबाइल फ़ोन में अलर्ट्स आते हैं, जिस जिस स्टेज पर फाइल चलती है उसकी एक एग्जैक्ट टाइमलाइन फिक्स्ड है कि 3 दिन इसके पास रहेगा, 2 दिन इसके पास रहेगा, और फाइनली PO तक वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है। PO के बाद में सेंट्रल पेंशन अकाउंट्स ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक SSA लग करके और इलेक्ट्रॉनिकली बैंक के पास चला जाता है। और ये जो PPO की कॉपी है, अब इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक PPO बन गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक PPO डीजी लॉकर में भी चला जाता है, और पेंशनर चाहे तो अपना उसमें से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो अभी वो ज़रूरत नहीं है कि उसको कि वो हर सीट पे मूव करे, अपना पेंशन फाइल को चेज करे। और 131,000 इलेक्ट्रॉनिक पीपीओज हमारे